प्रकृति ने हमें तरह तरह के फाइबर युक्त भोज्य पदार्थ दिए हैं। ये फाइबर युक्त भोजन हमारी सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। फाइबर यानी रेशा, हमारी छोटी आंत में पाचन और अवशोषण का उस पर कोई असर नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमारे शरीर में पर्याप्त पाचक एंजाइम नहीं होते। पेट से गुजरते वक्त ये आंतों में मौजूद बैक्टीरिया से प्रतिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप फैटी एसिड की लघु श्रृंखला और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन जैसी कुछ गैसों का निर्माण होता है। ये फैटी एसिड आंतों में अवशोषित होकर ऊर्जा पैदा करता है और आंतों की दीवारों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फाइबर आमतौर पर कब्ज रोकने का काम करता है, यानी कब्ज नहीं होने देता। कब्ज की शिकायत होने पर मनुष्य को भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। सामान्यतः लोग कब्ज को हल्के में लेते हैं, जबकि ये एक गंभीर समस्या है। कब्ज की वजह से बड़ी आंत के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ये भूख और खुराक को भी कम कर देता है। कभी कभी कब्ज से गैस भी बनने लगती है। इससे आदमी का सामान्य व्यवहार, स्वभाव और दैनिक दिनचर्या पर उल्टा असर पड़ता है। रेशे कब्ज को रोकते हैं। ये पानी में घुलता नहीं है। अघुलनशील फाइबर अपनी जल धारण क्षमता के कारण आंतों की दीवारों से पानी को अवशोषित कर अपशिष्ट पदार्थ को फुला देता है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि फाइबर फूल जाता है और मल की मात्रा को बढ़ाकर उसे नरम कर देता है। इस तरह से कब्ज की रोकथाम में मदद मिलती है। कोलोन कैंसर और डाइवर्टिकुलिटिस दो ऐसे रोग हैं जिनसे इंसान पीड़ित हो जाता है। कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत के निचले भाग का कैंसर और डाइवर्टिकुलिटिस जिसमें आंतों की दीवारों में सूजन और छाले हो जाते हैं। अघुलनशील फाइबर इन दोनों खतरों को कम करता है। जब हम कम फाइबर वाला आहार लेते हैं तो पेट को सभी गैर पचे अपशिष्ट को निकालने में कठिनाई होती है। ये आंतों की दीवारों में अतिरिक्त दबाव का कारण बनता है, जो कभी कभी बड़ी आंत के निचले भाग में छालों को पनपने का कारण बन सकता है। इसे चिकित्सा की भाषा में डाइवर्टिकुली कहते हैं। ये समस्या वृद्धावस्था में आमतौर पर होती है। हाल ही में हुए शोध एवं अनुसंधान से पता चला है कि फाइबर युक्त भोजन कोलोन कैंसर के खतरे को कम कर देता है। अच्छा तन और मन पौष्टिक खाना खाकर ही बनता है और इसके लिए दिल का रोग रहित होना जरूरी है। दिल उच्च और निम्न रक्तचाप का शिकार हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर दिल की बीमारियों को खुला निमंत्रण देता है। घुलनशील फाइबर पानी में घुलकर लसीला जल बन जाता है। खाने के साथ घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में फूल जाता है और पेट व आंतों से भोजन गुजरने की गति को धीमा कर देता है। इससे पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। पित्त के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। हमारे शरीर में पित्त एक रस है जो यकृत यानी लीवर में बनता है और पित्त की थैली में जमा हो जाता है। ये पाचन के दौरान निकलता है। आमतौर पर इसकी मुख्य भूमिका आहार में लिए गए वसा के पाचन में है। वसा के पाचन के बाद पित्त दोबारा वसा के पाचन की जरूरत होने तक पुनः संचारित होता है। जब घुलनशील फाइबर को आहार के जरिए लिया जाता है तो ये पित्त और कोलेस्ट्रॉल को एक साथ लाकर उनके उत्सर्जन में सहायता करता है। घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय के रोगों के खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है। खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदलता है और ये ग्लूकोज आंतों से अवशोषित होकर खून के प्रवाह में पहुंचकर रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है। घुलनशील फाइबर ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है और इंसुलिन की जरूरत कम पड़ती है। तब इंसुलिन संवेदनशीलता सुधरती है। इस तरह घुलनशील फाइबर मधुमेह को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करता है। शरीर के वजन को नियंत्रित करने में भी फाइबर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
फाइबर की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थों में कैलोरी कम होती है। फाइबर पेट में लंबे समय तक बने रहकर भूख की ललक को कम करता है। आइए जानते हैं कि घुलनशील और अघुलनशील फाइबर किन किन चीजों में पाया जाता है। अघुलनशील फाइबर गेहूं की भूसी, साबुत अनाज का आटा, गेहूं का आटा, गेहूं के आटे की रोटी, भूरे चावल, पास्ता, भिंडी, गाजर, सेम, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया, पत्ता गोभी, मेथी आदि। इसके अलावा सेब के छिलकों में, साबुत दालों में जैसे छोले, काला चना, मटर आदि। घुलनशील फाइबर जई की भूसी में बीटा ग्लूकोज, ग्वार की फली में ग्वार गम, मेथी में पेक्टीन, इसबगोल की भूसी में पेक्टीन, फलों में पेक्टीन, संतरा, नींबू, अमरूद, नाशपाती, सेब, तरबूज, बेर, आड़ू आदि। दालें राजमा, सब्जियां प्याज, लौकी आदि। रेशेदार भोजन खाएं, रोगों को दूर भगाएं। खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखें। फल छिलके समेत खाएं, कभी कभी फलों का रस लें। जई का सेवन करें। मैदा, सूजी आदि कम खाएं। खाने में दलिया शामिल करें। भूरा चावल खाएं। पत्तेदार सब्जियां नियमित खाएं। कम से कम 300 ग्राम सब्जी रोज खाएं। रोज 200 ग्राम फल लें। राजमा, छोले और चने का इस्तेमाल करें। टूटी दाल को प्रयोग में लाएं। भोजन के साथ सलाद जरूर लें। अंकुरित अनाज, काला चना, साबुत मूंग अच्छे स्रोत हैं। रेशेदार भोजन जरूरी है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसकी मात्रा संतुलित हो। किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायी है। आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ते ही पेट के निचले हिस्से में असहजता होने लगती है, गैस बनने की शिकायत हो जाती है। एक और बात ध्यान में रखें कि जब भी आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, तो तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, पानी ज्यादा पिएं, फाइबर प्राकृतिक पदार्थों से ही ग्रहण करें, कृत्रिम फाइबर से नहीं।